नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नियम 134 के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं होने से परेशान काफी सारे अभिभावक आज अपनी फरियाद लेकर महम के विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास कर रखी है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलॉट किया गया है वो बड़े बड़े स्कूल उनके बच्चों के दाखिले नहीं कर रहे हैं। अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर जब ये अभिभावक डीसी रोहतक से मिलने जाते हैं तो उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है। डीसी साहब गरीब अभिभावकों से मिलने से भी परहेज करते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बार बार तड़का कर उनको वापस भेज देते हैं। अभिभावकों ने बताया कि वो कई दिन से धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में परीक्षाएं नजदीक आ गई तो उनको अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 134A के तहत दाखिले की उम्मीद में उन्होंने पुराने स्कूलों से भी अपने बच्चों के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कटवा दिए हैं। अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभिभावकों की फरियाद सुनते हुए विधायक बलराज कुंडू ने उनको आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक बात पहुंचाएंगे और हर हाल में गरीबों के बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा, और यदि दाखिला नहीं होता है तो वो खुद अपने दम पर इन गरीब बच्चों की शिक्षा का बंदोबस्त करेंगे। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास औरल्यान की रिपोर्ट। मनोहर लाल खट्टर जी बड़े बड़े दावे करते माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, ये उनकी सच्चाई है या तो वो अनभिज्ञ है, उनके सामने सच्चाई सामने जाती या वो जानबूझ कर आंखें बंद करे बैठे। ये फैसला जो है ना, ये इन प्रदेश के लोगों को करना है आने वाले समय। लेकिन मैं आपके लोगों के साथ हूँ, मैं इस गरीब के साथ हूँ और मैं कल इनके साथ जाकर इन स्कूल में जाऊंगा और उनको स्कूल के गेट पर धरना देंगे, उनको स्कूल के अंदर बाहर आने से रोकेंगे। इन बच्चों का एडमिशन करना होगा जो इनका हक बनता है। देखिए सत्यपाल मलिक जी, उनकी एक अच्छी छवि है, दबंग है, बड़ी बोलते हैं, लेकिन मैं उनके उस वक्तव्य पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए मैं काश वो बातें जो कह रहे हैं वो सत्य हों, उसको इम्प्लीमेंट करें, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा सर, जो भिवानी में जो खनन हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, इस पर जांच के विषय में कोई नहीं बोल रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं बोल रहा, मैं सबसे पहले विधानसभा में बोला, चंडीगढ़ में बोला था, मेरी वो भी आई है, इसके ऊपर ट्वीट भी आया है और इसके ऊपर मैंने मुखर होकर जो है ना मीडिया के सामने भी रखा है। ये इससे गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता और इसकी बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गबन है, ये बहुत मोटा गबन है। आप पिछले ट्रैक पे मीडिया का ही ट्रायल उठा के देख लो, कितनी बार इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग जिनका पुराना वजूद जाके दे कुछ नहीं, आज बहुत बड़े रजवाड़े, उन्होंने इतने पैसे अमाउंट खड़े कर लिए हैं, वो सारे वहीं की उस खेल में थे, वहीं इतना बड़ा हुआ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।